मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हो चुका है, अब बारी नतीजों की है। कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी रहे राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अब कैथल लौट आए हैं और आते ही उन्होंने रोजगार को लेकर प्रदेश में युवाओं की आवाज बुलंद करने वाली एक्टिविस्ट श्वेता ढुल को कांग्रेस में शामिल करवाकर पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। सुरजेवाला कैथल पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, तो वहीं मीडिया से बातचीत में सुरजेवाला ने दावा किया कि पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून, हाईकोर्ट से रद्द होने पर और प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर भी भाजपा और जजपा की जमकर धुनाई कर दी। अंत में आप सुनिए कि लंबे समय बाद चुनावी राज्य मध्य प्रदेश से लौटे सुरजेवाला किस मूड में हैं और वो क्या कह रहे हैं। ऐसा है कि पांचों राज्यों में ईश्वर की कृपा और लोगों के आशीर्वाद से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी विजय की ओर अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे और वचन यहाँ से किए हैं लोगों से, वो हम उन वायदों पर खरा उतरेंगे। वो चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटियाँ हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ में किसान को और मध्य प्रदेश में 2600 से 3000 रुपये क्विंटल तक गेहूं और 2500 से 3100 रुपये क्विंटल धान की कीमत की बात हो, चाहे महिलाओं को हर महीने उनके खाते में राशि देने की बात हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, 500 रुपये से 1500 रुपये पहली से 12वीं कक्षा तक। इसी प्रकार से राजस्थान में जहां और तेलंगाना में जहां चुनाव होने हैं वहां भी कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर है और जो इनिशियल सारे सर्वेज है वो भी यही दिखा रहे हैं। हरियाणा के नेताओं की बात करें भाजपा के, वो राजस्थान में सिलेंडर 450 रुपये का देने का वादा कर रहे हैं जबकि हरियाणा में 1100 रुपये का सिलेंडर। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बेवकूफ बनाती है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के समय में तो 2014 में 400 का गैस सिलेंडर था, इसे 1150 रुपया किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आप पूरे देश में कर दो 400 का गैस सिलेंडर, आपको रोक कौन रहा है? तो आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो? 10 प्रांत जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, भाजपा सत्ता में है, वहां तो आप 1150 का सिलेंडर बेचते हैं, और जहां आप सत्ता में नहीं है वहां आप 450 का वादा करते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं भाजपा के द्वारा, तो और क्या है। आरक्षण की बात कही थी जजपा, कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये एक जुमला था, वो जुमला कोर्ट ने खारिज कर दिया। ना एक बच्चे को नौकरी मिली, ना एक बच्चे को रोज़गार मिला, ना एक बच्चे को इस कानून का फ़ायदा मिला। इन्होंने केवल करोड़ों रुपया सरकार का बर्बाद किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब कानून ख़त्म, जुमला हजम, और यही भाजपा जजपा का असली चरित्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ आज से नहीं, कोरोना काल से ही जो शराब माफिया है और भाजपा जजपा सरकार की मिलीभगत साफ है। आप याद करिए, कोरोना काल के अंदर हमने ये उजागर किया था कि किस प्रकार से बहुत बड़ा नाजायज शराब का धंधा भाजपा जजपा के संरक्षण में चल रहा है। अखबार ने बाकायदा उसे दिखाया, टेलीविज़न ने दिखाया, जांच बिठाई। क्या हुआ? आज 3 साल बीत के उस जांच का कुछ हुआ? लगातार शराब माफिया जो नाजायज शराब बनाता है और एक्साइज की चोरी करता है, ये भाजपा जजपा के संरक्षण में ये धंधा कर रहे हैं। 20 के करीब लोग हरियाणा में मारे जा चुके, उन परिवारों के आंसू कौन पहुंचेगा? क्या खट्टर साहब या दुष्यंत चौटाला बताएंगे उनकी मौत का जुम्मेवार कौन है? एक दो आदमियों को पकड़कर आप लीपापोती कर रहे हैं और असली मछलियों को बचा रहे हैं, ये कब तक चलेगा?